हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निसाराज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो गृहिणियों के लिए है, क्योंकि मेरा जो चैनल है निसाराज ब्लॉग, चूँकि मेरा एजुकेशनल चैनल है इसीलिए मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं, और जो नए सब्सक्राइबर जो आते हैं हमारे चैनल पे वो जो गृहिणियाँ होती है कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं वो स्टडी लाइफ से जुड़ी रहती है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, और ये वीडियो है बीपीएससी को लेकर के, 67 बीपीएससी को लेकर। तो जैसा आप सभी जानते हैं जो गृहिणियाँ की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 67 बीपीएससी का जो डेट है वो आ चुका है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। टाइम आपके पास काफ़ी कम है, मुश्किल से 3-3.5 महीने बचे हुए हैं। तो काफ़ी कुछ कमेंट आते हैं तो मुझे उन्हें लगता है कि वो क्या मैं इतने दिनों में तैयारी कर सकती हूँ। तो देखिए, अगर आप पढ़ाई से जुड़ी हैं, हमेशा थोड़ी ना थोड़ी पढ़ाई करती रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा गैपिंग है आपके पढ़ाई में कि आपने 4-5 साल का गैपिंग कर रखा है और अब डायरेक्ट आप सोच रही हैं कि मैं ये 3 महीने में तैयारी कर लूं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। असंभव तो कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो असंभव को संभव बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये काम आसान हो जाता है। तो उन्हीं के लिए है बस। तो कुछ है कि CDPO के लिए कमेंट करती हैं, तो देखिए CDPO का जो सीट है वो काफ़ी कम है। CDPO में बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, लेकिन उनके सीट इतना ज़्यादा कम है उसका सीट, कि आपको निराशा का सामना तो करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सीट ही काफ़ी कम होती है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, या फिर जिनका रिजल्ट नहीं हो पाता वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सीट की वजह से उनका नहीं हो पाता है और उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप CDPO की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी में जुड़ी हैं, तो आप 67 बीपीएससी की भी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और आप उस एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें जो सीट की संख्याएं काफ़ी ज़्यादा होती है और सिलेबस भी करीबन मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो मिलता जुलता सिलेबस होता है दोनों का, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी अब करनी कैसे है, तो सबसे पहले चीज़ तो जो तैयारी कर रहे हैं और जो सेट लगाता है ना, मार्केट से सेट लेके लगाते हैं, 150 क्वेश्चन का सेट होता है, तो वो जो सेट लेके लगाते हैं, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरे जो एजुकेशनल चैनल है उस पर मैंने सेट प्रोवाइड कराया सबको, 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ सेट है, 15 सेट दिए गए हैं उस तरीके का, आंसर भी डिटेल दिया गया है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। और उसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 199 रखा गया है, तो वो आपको PDF के तौर पर WhatsApp पे दे दिया जाएगा, तो आप उस PDF को निकलवा लें और उससे आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिक्कतें आती है तो उनका डिटेल दिया गया है, तो आप उस क्वेश्चन को भी कवर कर लें, तो मेरे ख्याल से आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप वो सेट तो परचेज ज़रूर कर लें। और रही बात तैयारी करने की, तो बहुत सारे बुक हैं, मैं उनके बारे में भी अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी ज़रूरी है। एक कमेंट आया था कि मैम मेरी भी शादी हो चुकी है और 12 मंथ की शायद उनकी बेटी है, अभी मेरे पास मोबाइल है नहीं, तो उसमें कमेंट ही लिखा गया था, और वो 7-8 घंटे पढ़ती हैं। तो देखिए, और उन्होंने पूछा क्या मैं कर सकती हूँ, तो देखिए 7-8 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात है। आप एक गृहिणी होकर और अगर 7-8 घंटे पढ़ रही हैं, मीन्स आप बहुत मेहनत कर रही हैं, बस आपको ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की। अगर आप सही वे में, कहते हैं ना बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो आप अगर कोई भी काम बिल्कुल सही तरीके से, सही रास्ते की तरफ अगर करते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट कम समय में बहुत ही अच्छा मिलता है। तो बस आपको ज़रूरत है तो मार्गदर्शन की, आपको कौन सी बुक पढ़नी, कुछ चुनिंदा बुक पढ़ना स्टार्ट करें। जो आप 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें फालतू की चीज़ें ना पढ़ें, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही चीज़ें पढ़ें, आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 7-8 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, आप बहुत ज़्यादा टाइम निकाल पा रही हैं अपने लाइफ से। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप उतने घंटे पढ़ के आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकती हैं। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अगर आप में से किन्हीं का भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उस कमेंट को लेकर मैं उसका आंसर ज़रूर बना दूंगी और उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी,
और बुक कौन कौन सी पढ़ी उसके लिए वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।